मुख्तार अंसारी की शख्सियत डॉन, माफिया, गैंगस्टर, अपराधी और अन्य कई नामों से मशहूर है। मऊ से 5 बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी 14 साल से जेल में बंद हैं और अब उनके बेटे अब्बास अंसारी के घर से असले मिलने के बाद ऐसी आशंका है कि कहीं कानून का शिकंजा उन पर भी न कस जाए। लेकिन डॉन पिता और शूटर बेटे को छोड़ दे तो मुख्तार अंसारी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस डॉन का खानदानी रसूख जितना बड़ा और गौरवशाली है उतना पूर्वांचल में शायद ही किसी और परिवार का रहा हो। रिश्ते में मुख्तार अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के भतीजे हैं। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी एक साफ सुथरे छवि वाले कम्युनिस्ट नेता रह चुके हैं। बेदाग छवि की वजह से उन्हें साल 1971 में नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। मुख्तार अंसारी के दादा का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी था। मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 और 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। जाहिर है मुख्तार अंसारी को विरासत में एक नामचीन खानदान मिला, लेकिन शायद रसूख में राजनीति के कॉकटेल ने अंसारी को राजनेता से गंभीर अपराधों के आरोपी की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। वहीं अब लखनऊ पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से बसंत कुंज स्थित उनके घर में छापेमारी की। छापेमारी में हथियारों का जखीरा मिला है। न्यूज डेस्क।